साल भागने के बाद किम जोंग ने शेयर की लड़की की तस्वीर अपनी बेटी के साथ। उन्हीं के बीच अंतर मिसाइल दागने के साथ ही अमेरिका को डाला चिंता। पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख की नियुक्ति। जल्द गृह मंत्री सनाउल्लाह बोले अगले दो दिन में नाम पर लग जाएगी मुहर। जनरल कमर जावेद बाजवा के 29 नवंबर को हो रहे हैं रिटायर। नेहरू में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर फायर ट्रैक से टकराया विमान। दो अग्निशामकों की मौत। विमान के उड़ने उड़ान भरते ही रनवे में घुसा ट्रक। बिकिनी गर्ल्स से घिरा रहता है इस्लामिक धर्मगुरु। हुई 8000 साल की कैद। तस्वीरें। तुर्की में रहने वाले अदनान ओक्तार को हुई सजा। भारतीयों के लिए सऊदी अरब सरकार का बड़ा फैसला। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य नहीं होगा। हज यात्रियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। काशी तमिल संगम का औपचारिक शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट दबाकर किया औपचारिक शुभारंभ। तमिल संगम में पीएम का दिखा साउथ इंडियन लुक। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एक आतंकी मार गिराया। 17 नवंबर को घुसपैठ कर रहे आतंकी के साथ मुठभेड़ हुई। यूपी में निकाय चुनाव में पुलिसकर्मियों ने अवकाश रोका। एडीजी कानून व्यवस्था ने जारी किया पत्र। उपचुनाव व निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिसकर्मियों के अवकाश पर रोक। जेल में सत्येंद्र जैन का हेड बॉडी मसाज। बीजेपी ने जारी किया वीडियो। कमरे में कैद हुई मिनरल वाटर। आप बोले शर्मनाक बीमारी का मजाक बनाया। सैकड़ों कर्मचारियों के इस्तीफे के बाद घबराया एलन मस्क। कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से दिया था इस्तीफा। मस्क ने रखी सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के साथ मीटिंग। कर्मचारियों के इस्तीफे के बाद घबराया एलन मस्क। चुनाव चिन्ह राजनीति पार्टियों की विशेष संपत्ति नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट का बयान। उद्धव ठाकरे को लगा झटका। चुनाव हार जाते हैं तो प्रतीक के उपयोग का अधिकार हो सकते हैं। माफी मांगे राहुल वरना मुंबई नहीं आने देंगे। सावरकर पर विवादित टिप्पणी मामले में शिंदे गुट की चौपाल। राहुल गांधी के बयान को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई। हाल ही में पंजाब कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए चार नेताओं की बढ़ाई सुरक्षा। चार नेताओं को दी एक्स कैटेगरी की सुरक्षा। गुजरात विधानसभा की 90 सीटों पर उतरे 788 प्रत्याशी। 1 दिसंबर को होना है चुनाव। पहले चरण का मतदान। पहले चरण में 79 सीटों पर 70 महिला उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री राजेश तिवारी ने सभी खंड प्रखंड की ली बैठक। सरस्वती नगर में हित चिंतक अभियान को लेकर की बैठक। 6 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक जारी रहेंगे अभियान। कृषि भूमि को लेकर कुशवाहा समाज पर हुआ था प्राण घातक हमला। मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए सरकारी डॉक्टरों ने मांगे पैसे। जिला कलेक्टर को शपथ पत्र देकर की शिकायत। रतलाम में जोएस नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जोएस नेताओं पर दर्ज मुकदमे और रिहाई की मांग। इमामबाड़ा शहर नफस का नाम बदलकर गाजीउद्दीन हैदर का मकबरा किए जाने पर नाराजगी। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासू बकवास ने जताई नाराजगी। जसपुर विधानसभा क्षेत्र से निकली भारत जोड़ो यात्रा। विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में नादेही शुगर मिल से निकली यात्रा। 31 तारीख को भ्रष्टाचार महंगाई को लेकर सचिवालय का करेगी कोच। ग्वालचर मेले में शनिवार को डाइट सभागार में आयोजित प्रेस सम्मेलन। सम्मान समारोह में प्रेस प्रतिनिधि को किया सम्मानित। मुख्य विकास अधिकारी SLN मिश्रा और SGM रहे मौजूद। डिंपल यादव के लिए वोट मांगते हुए भावुक हुए पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव। नेताजी को याद करते हुए मंच पर फफक फफक कर रोए। कहा नेताजी के बिना चुनाव लड़ना कठिन है। गौतम अडानी ने इकोनॉमिक को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत। आने वाले वक्त में भारत का ही बजेगा टंका। नहीं रही मशहूर एक्ट्रेस तबस्सुम। बता दें कि कार्डिक अरेस्ट से हुआ निधन। फैंस में शोक की लहर। अरुणाचल को मिला पहला हवाई अड्डा। पीएम मोदी ने किया डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को किया उद्घाटन। 7 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 29 दिसंबर तक चलेगा। 23 दिन में होगी 17 बैठकें।